खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, हम भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हैं। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन जलफरेजी। तो चिकन जलफरेजी बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो यहाँ हम लेंगे हाफ के जी चिकन, इसको हमने इस शेप में कटिंग किया है। यहाँ हमने एक टमाटर लिया है, इसमें से हमने बीज निकालनी है। एक हमने ऑनियन लिया है, उसको हमने इस शेप में कटिंग किया है। एक हमने शिमला मिर्च ली है, उसे हमने इसी शेप में कटिंग कर लिया है। यहाँ हमने 4 टेबलस्पून भरकर टमाटो केचप लिया है और एक टमाटर हमने ग्राइंड कर लिया है। 2 टेबलस्पून भरकर हमने सोया सॉस लिया है। 1 टेबलस्पून हमने सिरका लिया है। यहाँ हम एक अंडा लेंगे और स्पाइसेस जो हम इसमें ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। बिस्मिल्लाह करते हैं और बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसके नीचे हम फ्लेम ऑन करेंगे। तो फ्लेम हमने ऑन कर लिया है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। सब में पहले हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक, हम भूल गए थे आपको बताना। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, इसे कर लेंगे हम मिक्स। और इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ चिकन का कलर चेंज हो चुका है। और इसमें हम ऐड करेंगे पानी 1/2 कप और इसे हम 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इस पर हम ढक्कन रखेंगे और फ्लेम स्लो कर देंगे। तो हम इसे 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। और जब तक चिकन कुक हो रहा है हम यहाँ अंडा लेंगे। इसमें हम एक चुटकी नमक ऐड करेंगे और एक चुटकी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसे हम फेंट लेंगे। इसे हमने फेंट लिया है और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमने एक पैन लिया है, इसके नीचे हम फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून और इसमें हम अंडा ऐड कर देंगे फैलाकर। इसे ज्यादा कुक नहीं करना है। और इसकी साइड हम अब चेंज कर लेंगे और फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे भी हम लंबाई में कटिंग कर लेंगे। और यहाँ चिकन को 10 मिनट हो चुके हैं और इसमें से पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे जो हमने ग्राइंड कर लिए थे। और साथ में हम ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे।
सिरका ऐड करेंगे। साथ में हम ये टमाटो केचप ऐड कर देंगे, इससे इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये तकरीबन डन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, साथ में हम ये प्याज ऐड कर देंगे। अब हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा कुक करेंगे, इसे ज़्यादा कुक नहीं करना वेजिटेबल्स डालकर। इसे हम 2 से 3 मिनट कुक करेंगे, इससे ज़्यादा हमने इसे कुक नहीं करना। इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये अंडा ऐड कर देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये हमारी चिकन जलफरेजी की फाइनल लुक है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर आपको हमारी तमाम तरह रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें इसको, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, अपनी दुआ मन में रखे। आमीन सुमा आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।